नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं सोका टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 खबरों पर। धरती से दूर क्यों हो रहा चांद, अब दिन में होंगे 25 घंटे और 350 दिन का एक साल, वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। ईरान में 29 लोगों को एक ही दिन दी जा रही फांसी की सजा, दो अफगानी नागरिक भी शामिल, हत्या, रेप और ड्रग्स की तस्करी के पाए गए थे दोषी। नेपाल में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, चीनी नागरिकों समेत 5 की हुई मौत, उड़ान भरने के 3 मिनट बाद संपर्क टूटा, 15 दिन में दूसरा बड़ा हादसा। वायनाड के घर हुए सूने, नहीं लौटना चाहते विक्टिम, 70 बच्चे खोकर स्कूल भी हुए वीरान। भारत में 500 बांग्लादेशी घुसने की कर रहे थे कोशिश, बीएसएफ ने रोका, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण आज, यूनिस इसे लीड करने पहुंच रहे। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का किया ऐलान, कुश्ती के जीतने और खुद के हारने की कही बात, सिल्वर मेडल के लिए स्पोर्ट्स कोर्ट में अपील की फैसला आज। यूपी के लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में आज होगी भारी बारिश, आईएमडी ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। सीएम योगी ने अयोध्या के दौरे में साधु संतों से की मुलाकात, संतों के सामने फैजाबाद सीट के परिणाम को लेकर हुए भावुक, सीएम योगी ने कहा आगे बढ़कर आए संत। फरीदाबाद में बढ़ाए गए 181 मतदान केंद्र, ईवीएम की जांच शुरू, सभी पार्टी के सामने चेक की जा रही ईवीएम की जांच। फिलहाल फटाफट 10 खबरों में इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए सोका टाइम्स के साथ। खबरें अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।